पतित पावनी गंगा के सुरम तट पर अवस्थित वैभव इतिहास की राजधानी वैशाली में स्थित मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट की स्थापना मैत्रेय एजुकेशन ऑफ ट्रस्ट के द्वारा 2012 में किया गया। यह संस्थान बीएड कोर्स को लेकर समर्पित है तथा इसकी संबद्धता आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से है। यह संस्थान बीएड में दी जाने वाली शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन को लेकर अपने आप को प्रतिबद्ध करती है। शिक्षा को लेकर यह नित नया नए आयाम 2012 से लेकर आज तक रच चुकी है। शिक्षा की वास्तविक परिभाषा को केंद्र में रखकर यह अपने शिक्षा के दौरान बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मानुभूति, स्वानुभूति पर पूर्ण रूप से समर्पित है। यह संस्थान उन सभी संस्थानों से अपने आप में अलग है। इस संस्थान का मानना है कि शिक्षक केवल किताबी ज्ञान एवं उसके इर्द गिर्द रहने वाला व्यक्ति नहीं है। शिक्षक निर्माण एक प्रकार से सामाजिक पूंजी की निर्माण की तरह है। अतः यह संस्थान किताबी ज्ञान एवं रटंत विद्या से अलग हटकर जीवन के वास्तविक परिस्थितियों के लिए शिक्षक का निर्माण करती है। इस संस्थान में कार्यरत फाउंडिंग प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी का भी यही मानना है कि शिक्षा कभी संकुचित एवं किताबों तक सीमित नहीं है। शिक्षा को लेकर स्वयं उनकी विचारधारा व्यापक एवं समग्रवादी है। संस्थान वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी अपने यहाँ तमाम तरीके की सुविधाएं छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं को मुहैया कराती है। शिक्षा को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ते हुए एवं कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए अपने बच्चों को विभिन्न उपवर्गों में उनकी जरूरतों एवं सहूलियत के अनुसार वर्गीकृत करती है। यह वर्गीकरण केवल सीखने एवं जीवन की तैयारी के रूप में है, न कि यह वर्गीकरण एक कठोर वर्गीकरण है। यानी कि इस शिक्षण संस्थान में गिजू भाई हाउस, डीएस कोठारी हाउस, जेपी नायक हाउस एवं जे कृष्णमूर्ति हाउस केवल और केवल सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। इस संस्थान की सभी कक्षाएं वर्तमान समय की मांग एवं उसके जरूरतों के अनुसार बनाई गई है। यानी कि इन सभी कक्षाओं में प्रोजेक्टर युक्त कक्षा एवं कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह संस्थान अपनी शिक्षण एवं अधिगम को बढ़ावा देने के लिए NCTE एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को बेहद प्रासंगिक रूप से निर्वहन कर रही है। यहाँ के फैकल्टी एवं स्टाफ पूर्ण रूप से NCTE के प्रावधानों एवं उसके नियमावली के अनुसार योग्यता रखते हैं। कला, विज्ञान एवं योगा को लेकर यह संस्थान भी कार्यरत है एवं इसके फैकल्टी मेंबर भी इस संस्थान में अपनी सेवा पूर्ण योग्यता एवं पूरी रुचि के साथ दे रहे हैं।
यहाँ के फैकल्टी मेंबर भी पूर्ण रूप से इस बात को आत्मर्पित एवं अपने आप में अनुभूति करते हैं कि शिक्षा केवल और केवल किताबों से नहीं दी जा सकती है। अतः यहाँ सर्वांगीण विकास एवं समग्र विकास की ओर प्रत्येक संकाय सदस्य उन्मुख रहते हैं। यह संस्थान खेल को भी एक जीवन का हिस्सा एवं शिक्षा का ही एक स्वरूप मानता है। अतः खेल के साथ साथ ही इस संस्थान में विचारों के आदान प्रदान एवं बच्चों में तार्किक एवं आलोचनात्मक सोच का विकास हो, इसके लिए इस संस्थान में बोधिसत्व सभागार मल्टीपर्पस हॉल है, जिसमें विभिन्न तरह के क्रियाकलाप एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते एवं लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते यह संस्थान इस विचार की ओर उन्मुख रहती है कि सभी तरह के एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने वाले कार्यक्रम संस्थान में आयोजित किए जाएं। अतः यहाँ सरस्वती पूजन महोत्सव, क्रिसमस, ईद, होली जैसे त्योहारों का बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। संस्थान की अपनी इस सीमित संसाधनों के बावजूद भी यह इस बात की ओर उन्मुख रहती है कि बच्चे केवल और केवल स्थानीय एवं बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही तैयार न हो। अतः यह संस्थान वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी बच्चों को तैयार करती है। इसलिए यहाँ ICT लैब एवं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लैब भी है। संस्थान अपने आप में इस ओर अग्रसर है कि बच्चों को, यानी कि छात्र अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को इस तरह तैयार किया जाए जो आने वाले समाज को एक दिशा एवं दशा प्रदान करें। इस संस्थान में एक मल्टीपर्पस हॉल के साथ ही साथ एक सेमिनार हॉल भी है, जहां पे और भी विशेष रूप से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। शिक्षक केवल और केवल कक्षा तक सीमित रहने वाला व्यक्ति नहीं है। अतः इस बात को ध्यान में रखकर यह संस्थान विचारों के आदान प्रदान करने के लिए एवं एक बेहतर शिक्षक निर्माण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, जिसके लिए हाई फैसिलिटिंग सेमिनार हॉल प्रदान करती है। साथ ही यहाँ साइको लैब, जो कि पूर्ण रूप से साइकोलॉजी को समर्पित है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भी यह संस्थान अग्रसर है। संस्थान की दूसरी मंजिल है, यहाँ पर भी दो कक्षाएं हैं। ये दोनों कक्षाएं भी अपने आप में पूर्ण रूप से नए प्रावधानों एवं समय की मांग के अनुरूप विकसित किए गए हैं। अब हम इस संस्थान की और कुछ खास चीज़ों को आपके सामने रखेंगे, जो कि ज्ञान के सृजन एवं संरक्षण एवं ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। वह है लाइब्रेरी। यहाँ की लाइब्रेरी में लगभग 25,000 बुक हैं, यानी कि 25,000 किताबें हैं, और यह किताबें केवल और केवल इस ओर उन्मुख नहीं हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जाए एवं उनको एक समय सीमा में बांधा जाए। यहाँ की किताबें अपने आप में एवं अपडेटेड हैं, और पूर्ण रूप से यह लाइब्रेरी भी डिजिटली अपडेटेड है, जहाँ पे आप किसी भी तरीके की बुक को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मूलतः शिक्षण से रिलेटेड या फिर टीचर एजुकेशन या मेथोडोलॉजी या फिर दर्शन, समाजशास्त्र,
गणित, विज्ञान, कला जैसी किताबें यहाँ और जो कि शिक्षा से संबंधित है बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब मैं इस संस्थान की तीसरी मंजिल पे आपको ले चलता हूँ, जहाँ पे एक तरीके से और भी लैब्स हैं जो कि इस संस्थान के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे गांधी के विचारों को भी फॉलो किया जाता है, जिसके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, साइंस लैब, मैथ्स लैब, करिकुलम लैब, इन सभी के सुख सुविधाओं का भी यहाँ ध्यान रखा जाता है। यानी कि शिक्षा का सर्वांगीण विकास हो, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। यहाँ के सेमिनार कक्ष को डॉक्टर राधा कृष्णन संवाद कक्ष के नाम से जाना जाता है। इस संस्थान के पास विस्तृत फैलाव है एवं इस विस्तृत फैलाव के अंतर्गत बेहतर एवं बेहतरीन खेल के लिए एक बड़ा मैदान प्रदान किया गया है, जिस ग्राउंड में आप किसी भी तरीके के खेल को खेल सकते हैं और यहाँ पे खेल के लिए एक खेल मैदान है। जैसा कि हम सब पहले ही बता चुके हैं कि इस संस्थान की स्थापना 2012 में मैत्रेय ट्रस्ट ऑफ एजुकेशन के द्वारा